प्रश्न एक, रांची झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी चेकोस्लोवाकिया, डी ब्राजील। सही जवाब है ऑप्शन सी चेकोस्लोवाकिया। प्रश्न दो, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए कुडप्पा युगीन, बी धारवाड़ युगीन, सी विंध्यन युगीन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी धारवाड़ युगीन। प्रश्न तीन, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहां की जा रही है? आपका ऑप्शन है ए बोकारो, बी हजारीबाग, सी धनबाद, डी रांची। सही जवाब है ऑप्शन डी रांची। प्रश्न चार, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया है? आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी पूर्व चेकोस्लोवाकिया। सही जवाब है ऑप्शन डी पूर्व चेकोस्लोवाकिया। प्रश्न पांच, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? आपका ऑप्शन है ए कोना, बी बराकर, सी दामोदर, डी स्वर्ण रेखा। सही जवाब है ऑप्शन बी बराकर। प्रश्न छह, राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? आपका ऑप्शन है ए दामोदर, बी स्वर्ण रेखा, सी भेरा, डी कारो। सही जवाब है ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा। प्रश्न सात, झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैक कहां स्थित है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर पूर्वी भाग में, बी उत्तरी भाग में, सी उत्तरी पश्चिम भाग में, डी दक्षिणी पूर्वी भाग में। सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी भाग में। प्रश्न आठ, झारखंड में सर्वाधिक कौन सा शहर पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए धारवाड़ शहर, बी कड़प्पा शहर, सी बेसाद शहर, डी आर्कियन शहर। सही जवाब है ऑप्शन डी आर्कियन शहर। प्रश्न नौ, राजमहल ट्रैक की औसत ऊंचाई कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 465 मीटर, बी 432 मीटर, सी 450 मीटर, डी 400 मीटर। सही जवाब है ऑप्शन डी 400 मीटर। प्रश्न 10, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए ओडिशा, बी बेल्लारी, सी छत्तीसगढ़, डी दामोदर घाटी। सही जवाब है ऑप्शन डी दामोदर घाटी। प्रश्न 11,
झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 463 किलोमीटर, बी 564 किलोमीटर, सी 456 किलोमीटर, डी 546 किलोमीटर। सही जवाब है ऑप्शन ए 463 किलोमीटर। प्रश्न 12। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? आपका ऑप्शन है ए 370 किलोमीटर, बी 395 किलोमीटर, सी 380 किलोमीटर, डी 323 किलोमीटर। सही जवाब है ऑप्शन सी 380 किलोमीटर। प्रश्न 13। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आपका ऑप्शन है ए 3.12%, बी 5.23%, सी 2.42%, डी 4.65%। सही जवाब है ऑप्शन सी 2.42%। प्रश्न 14। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए पारसनाथ में, बी हजारीबाग में, सी जमशेदपुर में, डी नेत्रहाट में। सही जवाब है ऑप्शन डी नेत्रहाट में। प्रश्न 15। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र है? आपका ऑप्शन है ए लोहरदगा, बी नेत्रहाट, सी पलामू, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी नेत्रहाट। प्रश्न 16। झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए फल्गु, बी कन्हर, सी उत्तरी कोयल, डी पुनपुन। सही जवाब है ऑप्शन डी पुनपुन। प्रश्न 17। निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? आपका ऑप्शन है ए उत्तरी कोयल, बी दामोदर नदी, सी स्वर्णरेखा नदी, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 18। झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है? आपका ऑप्शन है ए बोकारो, बी धनबाद, सी दुमका, डी पाकुड़। डी पाकुड़। प्रश्न 19। झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है? आपका ऑप्शन है ए रामगढ़, बी जामताड़ा, सी देवघर, डी रांची। सही जवाब है ऑप्शन डी रांची। प्रश्न 20। किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? आपका ऑप्शन है ए साहिबगंज, बी दुमका, सी पाकुड़, डी गोड्डा। सही जवाब है ऑप्शन सी पाकुड़।